गोइंग इन माइंड, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ प्रिपरेशन है खतरों के लिए? मैं तो कंग्रेचुलेट करता हूँ वाईकॉम के मैं शो में हूँ. नहीं, थैंक यू फॉर द मुबारकबाद. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे पूरे करियर का पहला रियलिटी शो है. इससे पहले कभी किसी रियलिटी शो में काम नहीं किया है और ऐसे एक शो के साथ टेलीविजन पे कमबैक करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. कई सीजन से फॉलो करता आया हूँ और हमेशा लगता था देख के कि अरे बाप रे ये लोग कैसे करते हैं. अब जाके मौका मिला है तो मजा आएगा. सेम हियर एक्चुअली, दिस इज माय फर्स्ट रियलिटी शो. उसके पहले मैंने सुपरनैचुरल फिक्शन शोज ही किए हैं एंड आई वांटेड टू डू खतरों के खिलाड़ी बिकॉज आई फाइंड दिस वेरी एडवेंचरस. आई एम अ वेरी एडवेंचरस पर्सन एट हार्ट एंड दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी. सो कर रहे प्रिपरेशन चालू है, एक ही हफ्ता शुरू हुआ है. एक ही हफ्ते में मैं जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, मैंने चल रही है बस. ओके मुझे लगता है कि उसका वहाँ होना हम सबके लिए एक प्लस पॉइंट है ना कि माइनस पॉइंट है. कभी कभी जब आप डांट सुनते हैं किसी ऐसे इंसान की जो उस फील्ड का मास्टर है तो वो आपको पॉजिटिवली लेनी चाहिए बात. इट्स लाइक अ लेसन. और रोहित ने एक्शन के दुनिया में ये प्रूव कर दिया है कि उससे बेहतर शायद ही कोई है फिलहाल. और मैंने जो सारे सीजन्स देखे हैं जहाँ पे उन्होंने होस्ट किए तो मुझे लगता है कि उनमें पैशन तो है ही लेकिन उनमें कंपैशन बहुत है. जब कोई ठीक से नहीं भी करता है तो वो आके जिस तरह से हक करते हैं, जिस तरह से सहानुभूति जताते हैं तो लगता है कि अगली बार ज़्यादा कोशिश करेंगे. तो उम्मीद तो यही है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो. रियलिटी शो में मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी. ये शो मेरे लिए कोई रियलिटी शो नहीं है, मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है. आप दुनिया भर की दौलत भी इकट्ठा कर लें तो एक ऐसा शो जो एक ही जगह पे इतना कुछ करने को मिलता है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. ऐसा दूसरा शो मैंने नहीं देखा है जहाँ पे आप जंगल सफारी भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी, टास्क भी करेंगे, स्टंट भी करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हम लोग ट्रैवल करते हैं करने के लिए. यहाँ से मॉलडीव्स जाते हैं स्नॉर्कलिंग करने के लिए, यहाँ वहीं बैठे बैठे करने को मिलेगा. डीप सी डाइविंग जाते हैं यहाँ पे, वो भी करने को मिलेगा. तो वो सारी चीज़ें हैं. ऑफकोर्स एक कॉम्पिटिशन का स्पिरिट ज़रूर होगा लेकिन मेरे लिए ये एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन कम है. मुझे मुझे मेरी बीवी से बहुत डर लगता है और वो फियर कभी भी मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगा. मुझे पानी से बहुत डर है भाई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं डूब ना जाऊं. अरे बाप रे, इसलिए मैं स्विमिंग सीख रही हूं अभी. मुझे मुझे हर चीज से डर लगता है वाकई. मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, सांप से डर लगता है, बिच्छू से डर लगता है, मुझे तो हाइट से भी डर लगता है. मैं हालांकि माउंटेन्स में जाता हूँ मेडिटेट करने के लिए लेकिन अगर आप मुझे माउंटेन एज पे लेके जाए बोले कूद जाओ तो डर तो लगेगा ही. तो वो उन चीज हर चीज से डर लगता है जिससे डरना चाहिए एक आम इंसान. हम लोग मुझे मिला ही एक हफ्ता है और मैंने उसके पहले चार महीने से कोई वर्कआउट कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मैं सबैटिकल में थी और मैं प्रॉपर सबैटिकल में थी जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस चिल कर रही थी. तो जब मुझे पता चला कि मैं अभी जा रही हूँ, सो आई स्टार्टेड माय वेट ट्रेनिंग, आई स्टार्टेड माय बॉक्सिंग, माय किक बॉक्सिंग, देन आई स्टार्टेड स्विमिंग. स्विमिंग भी सीख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है पानी के स्टंट्स तो होंगे ही होंगे 100%, और मुझे डूबने का बहुत डर है. एंड ऑब्वियसली टास्क में यू आर नॉट जस्ट गोना फ्लोट, यू हैव टू डू द टास्क. फॉर दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू स्विम, सो आई एम लर्निंग दैट. एंड थोड़ा बहुत जिमनास्टिक्स एंड बॉक्सिंग भी. मेरा पहला क्लास कल था आफ्टर वन ईयर. सो आप कर चुकी हैं मतलब पहले बॉक्सिंग? या आई यूज्ड टू डू किक बॉक्सिंग एंड एवरीथिंग. सो यस्टरडे वाज माय फर्स्ट क्लास एंड आई हार्डली हैव 1 week's टाइम टू लाइक यू नो बीन माय कंप्लीट फिजिकल फिटनेस. आई एम स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड बट एटलीस्ट आई एम गेनिंग माय स्ट्रेंथ बैक. क्या लगता है सबसे टफ टास्क और सबसे टफ कंपटीशन कौन देगा? मैं कॉम्पिटिटर्स को अभी तक जांच नहीं रही हूँ क्योंकि मैं खुद जब तक रेडी नहीं हूँ तब तक मैं उस पड़ाव पे नहीं जा सकती कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है. आई नीड टू बी फिजिकली फिट, आई नीड टू बी मेंटली फिट एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ बिकॉज वो ही काम आने वाला है. और मैं किसी को कॉम्पिटिटर की नजर में देख कर मैं खुद को नर्वस नहीं करना चाहती. मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ. देखो मेंटल स्ट्रेंथ, द फैक्ट दैट आई हैव टोल्ड यस टू खतरों के खिलाड़ी इट्सेल्फ
डीप इनसाइड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट. अब बस मुझे वहां जाके चीजें फेस करनी होगी, और अगर मैं फेस नहीं भी कर पाऊँ, आई मीन वी ऑल हैव ऑब्जर्व दैट रोहित सर हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, टीज भी करते हैं, लेकिन जब एक इंसान हार मान जाता है वो उनको कुछ भी करते हैं. तो मुझे पता है कि अगर ऐसा कोई भी फेस आएगा जहाँ पे मैं अटक जाऊंगी, आई नो ही विल से दैट कुछ नहीं होगा जा कर ले. मुझे लगता है कि फिजिकल फिटनेस से ज्यादा मेंटल फोर्टिट्यूड मायने रखता है इस खेल में. फिजिकल ऑफकोर्स आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी, आपकी स्ट्रेंथ को यूज करना ही है, वो तो एक गिवन है, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो अगर आपको डर भी लगता है, जैसे इनको स्विमिंग डीप सी से डर लगता है या पानी से डर लगता है, तो अगर मेंटली स्ट्रांग है और आप कहें कि नहीं यार मैं कोशिश जरूर करूंगा या करूंगी, तो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे. मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, सवाल सुन के मैं डर गया क्योंकि मैं तो कुछ प्रिपेयर कर ही नहीं रहा था. एंड ऑनेस्टली ये कॉम्पिटिशन है भली. हाँ, अभी वक्त भी नहीं मिला है मुझे इतना कुछ प्रिपेयर करने का, बट ठीक है देखते हैं जाके क्या होता है. But the fact that we are going to push ourselves to do this itself is a very big challenge. And if we are able to overcome our own challenges, we come out all as winners in our own eyes. Yeah, true. पिछले सीजन की अगर बात करें तो भी जितना भी आप लोगों ने फॉलो किया है, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन थे या इंस्पिरेशन आपको? मुझे दिव्यांका त्रिपाठी और जन्नत जुबैर बहुत अच्छे लगते हैं. आई थिंक दे आर क्वाइट फायरी गर्ल्स. मुझे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छे लगते थे. उन्हें देख के लगता था कि जो भी टास्क वो करेंगे, जो भी स्टंट करेंगे, वो अच्छे से करेंगे और कर पाएंगे. डर भी अगर उन्हें होता था, उन्हें देख के कभी ऐसा नहीं लगा कि वो क्विट करेंगे. और इसी शो में नहीं, आप उन्हें किसी भी शो में देखें तो वो अपना पूरा जो एक शिद्दत कहते हैं हम, शिद्दत से वो टास्क या स्टंट करते थे. और मुझे लगता है कि न सिर्फ वो मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट है, लेकिन वो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं कि बॉस हो सकता है. मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मैं थैंक यू इन एडवांस बोलना चाहूंगी आपके सारे गुड विशेस और प्यार के लिए, क्योंकि आई रियली नीड इट. मैं जितनी एक्साइटेड हूँ उतनी नर्वस भी हूँ, प्रेप्ड भी इतने अच्छे से नहीं हूँ. बस मन की शक्ति मुझे चाहिए कि मैं सारे टास्क हिम्मत से परफॉर्म करूँ. मैं यही कहूंगा कि इतने सालों से बतौर एक्टर आपने मुझे जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट को जारी मत रखिए, डबल कर दीजिए, क्योंकि मैं दिख बड़ा काम रहा हूं लेकिन उतना काम हूं नहीं. कोशिश कर रहा हूं ब्रेव दिखने का, लेकिन शिव को देख के तो मैं अभी और डर गया. इतना कंट्रोल में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बोलो तो स्टंट कर लेगा. तो अपनी दुआओं में याद रखना, और इस शो में वोट्स नहीं है लेकिन आपकी दुआएं काम करेंगी. सो कीप सेंडिंग योर गुड विशेस टू ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट मी, टू ऑल ऑफ अस. थैंक यू. थैंक यू.